हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के बारे में आप लोगों को टाइटल से तो पता चल ही गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डे टाइम और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में क्या डिफरेंस होना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो डे टाइम में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं वही नाइट टाइम में यूज़ करती हैं, या फिर अच्छे आप कह सकते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है, पहले क्या यूज़ करना है, बाद में क्या यूज़ करना है, ये उनको पता नहीं होता, वो कन्फ्यूज़ रहती हैं और इस तरह से यूज़ करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी किस तरह से आपको दिन और रात में अपनी स्किन की देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन हमेशा ग्लोई और आप कह सकते हैं कि एजिंग का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा कम हो जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको अपनी स्किन की देखभाल कैसे करनी है, दिन में और रात में कैसे करनी है, दोनों ही चीज़ें मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है या थोड़ी भी आपको हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं स्किन केयर और हेयर के रिलेटेड वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट पिक करनी है, यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम टेक्सचर वाले फेस वॉश, क्लींजर या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी आपके लिए सही हो वो यूज़ करिएगा। और अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं या फिर जेल बेस्ड जो फेस वॉश होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, या फिर जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छा है। बट आज मैं आपके साथ कौन कौन से आप कह सकते हैं स्टेप्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लींजिंग। जी हाँ, यानी कि आपको अपने फेस को क्लीन करना है। तो रात को जब हम सोते हैं तो हमारा फेस जो है वो थोड़ा ऑयली हो जाता है, क्योंकि अभी समर सीजन भी चल रही है तो क्लींजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपकी स्किन टाइप जो भी हो उस अकॉर्डिंग आप क्लींजिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपकी स्किन टाइप अगर ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऑयली है तो जेल बेस्ड हो सकता है, या फिर बहुत तरह के आप कह सकते हैं फेस वॉशेज या फिर क्लींजिंग मिल्क वगैरह आते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं अपने अकॉर्डिंग जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरी स्किन टाइप ऑयली है तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी मामा अर्थ की टी ट्री फेस वॉश फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स। सो ये एक्ने एंड पिम्पल्स के लिए होती है और मामा अर्थ तो एक वेल नोन ब्रांड है ही। तो मेरी स्किन टाइप ऑयली है और मुझे पिम्पल्स वगैरह भी होते हैं तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फेस वॉश चाहें या क्लींजिंग मिल्क चाहे यूज़ कर सकते हैं। पहला स्टेप मॉर्निंग में यही है कि आपको अपने फेस को क्लींज करना है, तो क्लींजिंग मिल्क से भी कर सकते हैं या फिर फेस वॉश से भी कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइजर। जी हाँ, डे टाइम है तो मॉइस्चराइजर की तो जरूरत पड़ेगी ही। कोई भी सीजन हो आप अपने अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर भी चुन सकते हैं। अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए भी बहुत सारे मॉइस्चराइजर आते हैं, और अगर ऑयली है तो भी बहुत सारे आते हैं। मेरी स्किन टाइप ऑयली है तो मैं ऑयली वाला ही रिकमेंड करूँगी। तो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पर लैक्टोकैलामाइन का डेली फेस केयर लोशन। ये ऑयल को बैलेंस करता है और इसमें आप कह सकते हैं कोलीन क्ले थेरेपी है और ऑयली स्किन के लिए है, और इसमें ये भी मेंशन ओनली एक्सेस ऑयल। तो ये एक्सेस ऑयल को सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, नेचुरल ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जितना जरूरी है उसी को एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं आजकल इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी समर सीजन चल रही है। विंटर्स में मैं यूज़ कर रही थी आप कह सकते हैं रूप मंत्रा की कोल्ड क्रीम। तो आपको जो भी पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं, बट एक मॉइस्चराइजर अच्छा सा आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर जो भी आपको अच्छा लगे आप पिक कर सकते हैं। मॉर्निंग स्किन केयर में एक थर्ड चीज़ शामिल होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सनस्क्रीन। जी हाँ, तो सनस्क्रीन आप सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके स्किन केयर का। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपकी त्वचा जो है वो धीरे धीरे बर्बाद ही होगी। तो सनस्क्रीन अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अभी से ही यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। सनस्क्रीन यूज़ करने से आपके फेस पे यूवीए और यूवीबी रेज नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि टैनिंग वगैरह नहीं होती है, रिंकल्स नहीं होते हैं, और वो भी आपकी स्किन जो है वो एज भी नहीं करती है। तो मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। मैं यूज़ करती हूँ न्यूट्रीजिना की अल्ट्रा सीन ड्राई टच सन ब्लॉक, और ये SPF 50 के साथ आता है। आप चाहें तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, वाटर रेजिस्टेंट है। आप चाहें तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई डे टाइम स्किन केयर रूटीन, काफ़ी सिंपल है। आप इसे फॉलो करिए, पहले क्लींजिंग करिए, फिर मॉइस्चराइज करिए और फिर सनस्क्रीन लगा सकते हैं आप, और आराम से आप फिर आउटिंग बाहर भी जा सकते हैं या फिर घर पे भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल में आप लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं स्किन की बात कर रही हूँ तो लिप बाम इंक्लूड नहीं किया है, बट आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आती है नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन की। तो आप सबको पता है कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे टाइम स्किन केयर रूटीन होता है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी होता है। नाइट में जो है हमारी स्किन जो है वो रिपेयर होती है, जो भी हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उस पर अगर आपको वर्क करना है तो नाइट टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है। जैसे कि अगर टैनिंग है या फिर पिंपल्स हैं या फिर कोई दाग धब्बे हैं तो उसके लिए अगर आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो रात को अप्लाई करिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो रेस्ट मोड में रहता है, उतनी धूल गंदगी नहीं होती है, तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है जो भी आप
करना चाहते हैं तो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी काफ़ी सिंपल होना चाहिए और कुछ चीज़ें हैं जो आपको मस्ट यूज़ करनी चाहिए। स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले मेकअप रिमूवर इंक्लूड होता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेकअप अप्लाई करते हैं, इवन काजल भी अप्लाई करते हैं, तो मेकअप से उसे रिमूव कर लीजिए, यानी कि उस मेकअप को रिमूव कर लीजिए, वरना आपकी स्किन पे डार्क सर्कल्स वगैरह आ सकते हैं। तो मैं तो यूज़ करती हूँ स्टेकोर्की की मेकअप रिमूवर और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास यही है तो यही यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी चाहे दूसरा यूज़ कर सकते हैं। गार्नियर का जो मेकअप रिमूवर है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करिएगा, या फिर कोई भी दूसरा ब्रांड भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मेकअप वाइप्स भी होते हैं, वाइप्स से भी आप अपने फेस को अच्छे से आप कह सकते हैं कि वाइप अप कर सकते हैं, मेकअप आपका निकल जाए। वाइप्स भी बहुत तरह की आती हैं, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई ऑयल अगर कोकोनट ऑयल से भी आप मेकअप रिमूव करते हैं तो भी वो काफ़ी अच्छे से रिमूव होगी। और ये तो है ही, और बहुत सारे मेकअप रिमूवर के ऑप्शंस हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि आपको अपने मेकअप को रिमूव करना है। स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए अगेन आप अपना डे टाइम वाला फेस वॉश ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप दो फेस वॉश रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली रख सकते हैं, रात के लिए अलग रख सकते हैं। जो दिन भर आपके फेस पर गंदगी बैठ जाती है, धूल धूप ये सब कुछ जो जाते हैं, उन सब को ये क्लीन करेगा, अच्छे से आपके फेस को नीट एंड क्लीन बनाएगा, सब कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए जो आप आगे अप्लाई करने वाले हैं, और रात को आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए भी फ्रेश बनाएगा। तो कोई सा भी आप एक अच्छा सा क्लींजर यूज कर सकते हैं। स्टेप है टोनिंग। जी हाँ, नाइट टाइम में आपको अपनी स्किन को टोन भी करना है, यानी कि टोनर का भी यूज करना है। तो मैं आजकल यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स प्लस की सैंडलवुड प्लस रोजवुड हाइड्रेटिंग प्योरीफाइंग टोनर। ये भी बहुत ही अच्छी टोनर है, बट आपको जो पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। अभी इसके पहले मैं आयुर वाला यूज कर रही थी, वो भी बहुत अच्छा था। तो आपका जो भी बजट हो आप उस अकॉर्डिंग टोनर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके टोनर आते हैं, आपको जो पसंद हो आप यूज़ करिए, बट हाँ नाइट टाइम में टोनर जरूर यूज़ करिए। ये आपकी स्किन को टाइट करता है, पोर्स जो है उसे क्लीन करता है, और साथ में थोड़ा श्रिंक करता है, जिससे कि आपकी स्किन थोड़ी टाइट होती है और काफ़ी अच्छा आपकी स्किन को टेक्स्चर मिलता है। और समर सीजन है तो टोनर मस्ट है, ये ऑयल के प्रोडक्शन को भी थोड़ा कम करता है, तो एक अच्छा सा टोनर जरूर यूज़ करिए। स्टेप है वो है सीरम। जी हाँ, आप एक अच्छा सा सीरम यूज़ करिए, जो भी सीरम आपके फेस के अकॉर्डिंग सही है वो यूज़ करिए। एंटी एजिंग सीरम यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं। तो एक सीरम मैं रिकमेंड करूँगी, गुड वाइब्स की रोज हिप रेडिएंट ग्लो फेस सीरम। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें पैराबेन नहीं है और क्वालिटी फ्री है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये रोज हिप है तो रेडिएंट है, फेस को ग्लो देता है, यानी कि रेडिएंट ग्लो सीरम है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और सीरम है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, वो है मामाअर्थ की स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम विथ विटामिन सी एंड टर्मरिक। आप इस वाले को भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें जो मेरा प्रोडक्ट है वो नहीं है, क्योंकि वो मैंने कहीं रख दिया है, मैं उसे रेगुलर यूज़ करती हूँ, बट ये मैंने इसका जो आप कह सकते हैं आउटर पैकेजिंग है वो लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। ये वाला जो फेस सीरम है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। एक बार इसे ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो पिंपल्स के दाग वगैरह हैं वो भी मेरे काफ़ी कम हो गए हैं, तो एक सीरम अच्छा सा ज़रूर यूज़ करिए। मैं आपको शेयर करूंगी एक मॉइस्चराइजर। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं नाइट टाइम में, लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास नॉर्मल पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल है, ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है, और नाइट टाइम के लिए स्किन केयर के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार इसे ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, या फिर आपको जो भी मॉइस्चराइजर पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक मॉइस्चराइजर जरूर यूज़ करिए। अब लास्ट में, अगर आपकी एज 25 प्लस हो गई है या 21 22 ही है, तो आप एक आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेप है नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का। अगर आप आई क्रीम यूज़ करते हैं तो आपके आईज़ पर रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगी, लेट से आएंगी, डार्क सर्कल्स नहीं बनेंगे, और आपकी आईज़ जो है वो हमेशा फ्रेश लगेंगी। बट अगर आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए आपको किस तरह से अपना डे टाइम और नाइट टाइम स्किन केयर करना है, जिससे कि आपकी स्किन हमेशा यूथफुल और यंग बनी रहे और हमेशा ग्लोई भी लगे। आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो जो चीज़ें मैंने बताई है उसे डेफिनेटली फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आगे के वीडियो में मैं अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन और डे टाइम स्किन केयर रूटीन जल्दी ही लाने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।